चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में 5 और नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं टोंक जिले में। टोंक में मिले सभी पॉजिटिव तबलीगी जमात से हैं। बड़ी खबर, इसके अलावा अलवर जिले में एक पॉजिटिव भी मिला है। एसएमएस हॉस्पिटल की बंद यूनिट में भर्ती था मरीज। प्रदेश में तो आज करीब 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं अब तक। जयपुर में 13, जोधपुर में 2, टोंक में 4 और अलवर में 1 पॉजिटिव सामने आया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आज की जो तस्वीर है, 20 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। तो चलिए इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर हमारे संवाददाता लोकेश शोला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, 5 और मामले सामने आ चुके हैं, कुल मिलाकर देखें तो 20 मामले आ चुके हैं, चिंता का विषय। जी बिल्कुल अमित, चिंता का विषय होगा ही। जिस तरह से लगातार एक ही दिन में 20 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आना राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग के साथ पूरे प्रदेश के लिए चिंता की विषय है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से दिल्ली में जो तबलीगी जमात के जो लोग थे वो अलग अलग प्रदेशों में बैठे थे, उसी तरह राजस्थान में करीब बड़ी संख्या में जो तबलीगी जमात के जो लोग थे वो आए थे, और उसमें टोंक में 4 कोरोना के पॉजिटिव की सूचना हमारे पास अभी आई है। और इसी तरह बात करें तो आज जयपुर में 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वो भी जयपुर के रामगंज के रहने वाले हैं। इस तरह से रामगंज में ही कुल 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं जिस तरह से पूर्व में 108 कोरोना के पॉजिटिव की संख्या हुई थी और जो अब बढ़कर 113 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में कुल हो चुके हैं। बात करें तो जोधपुर में जो कोरोना का पॉजिटिव आज जो मरीज मिला है वो पहले ही वहाँ जो अस्पताल में आईसीयू में एडमिट था और जिसका कोई ट्रेवलिंग इनकी हिस्ट्री भी नहीं बताई गई थी और वो कोरोना का पॉजिटिव मिलना। लोकेश, यहाँ पर टोंक की बात करें, जो 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं वो तबलीगी जमात के हैं। अब प्रशासन की चिंता यहाँ पर बढ़ गई होगी क्योंकि वो 4 जो लोग हैं किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, उनकी भी स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से तबलीगी जमात के जो लोग हैं बड़ी संख्या में राजस्थान में आए थे और सूचनाओं के आधार पर, जिस तरह हमारे पास सूचना आई थी उसके आधार पर तकरीबन बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में जो ये जो लोग थे वो राजस्थान में आए थे, जिसमें टोंक में भी यानी सूचना आई थी उसके आधार पर जो 4 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट लिए गए, जो सैंपल लिए गए, सैंपल में उनके कोरोना के पॉजिटिव है वो सामने आए हैं, जो भी एक बड़ी इनकी संख्या मानी जा सकती है। इसी तरह बात करें तो जयपुर में भी एक ही जगह रामगंज में कुल इन कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बड़ी संख्या में मिलना वो भी एक चिंता का विषय। बात करें जयपुर की तो जयपुर में भी जो तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो भी करीब 48 के लगभग संख्या बताई जा रही है कि 48 के लगभग संख्या में यहाँ पर आए थे, जो चिन्हित किया गया है उनको भी क्वारंटाइन में भेजने की सूचना हमारे पास आई है कि उनको क्वारंटाइन में भेजा गया है, आरयूएचएस में उनको भेजा गया है और जो अन्य जगह जहाँ पर जो सेंटर बनाएंगे वहां पर भेजा गया, उनके भी इनके सैंपल लिए जा रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट इनकी जांच के लिए भेजे जाएंगे। जी चलिए, जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लोकेश शोला हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि 5 मामले और सामने आए हैं, कुल मिलाकर अगर बात करें प्रदेश की तो 20 मामले अब तक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए।